आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद दानिश लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रामगंगा बिहार स्थित रामगंगा नदी में एक युवक डूब गया था। युवक को डूबे हुए 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चला है। SDRF की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए हमारे रिपोर्टर पीयूष शर्मा की यह रिपोर्ट। औरन लाल, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ सुबह काम पे गया 8 बजे। अच्छा। हमसे क्या गया, काम पे जा रहे हैं। हमने कि बेटा आज तो आ रहा है, काम पे मत जा। ठीक है। कि नहीं पापा, दो 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 घंटे का काम है, मैं आ जाऊंगा 2 घंटे बाद। मैंने कह दी सही है, आ जाइए जल्दी। फिर उसके बाद में 1:30 बज गया, इंतज़ार करा हमने, नहीं आया। हम नाई की दुकान पर सेब बनवाने गए अपने, तो एक लंग की सेब वो लगा दिया उसने साबुन, और एक लंग रह गई। हमारी लड़की पहुंची कि पापा भैया गंगा जी में डूब गया। मैंने बेटा तो सा कौन कह रहा हो, कि दो भैया आए बुलाने को, कहने को मम्मी से कि मम्मी भाग गई है। तो हम साबुन भी ना धोया ऐसे पहुँचे चले आए उसे। कितना समय हो गया डूबे हुए? कम से कम ऐसा बात है 1:30 बजे की बाकी है, 1:30 बजे का। प्रशासन की तरफ से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ साहब, प्रशासन साहब उस टाइम कूदते प्रशासन हो, उसके बाद में आया। कल दोपहर 1 बजे से आया हुआ है? हाँ, काम पे तो सुबह से आया हुआ है। अब यहाँ पे नहीं पता क्या बजे आया, 1:30 बजे सुनते 1:30 बजे यहाँ पे 1:30 बजे आ गया। अभी तक कोई पता? हाँ आता पता कोई नहीं है अभी तक, अभी तक कोई पता नहीं है। क्या हुआ आपके सामने? हमारे सामने वो लड़का यहाँ पे लेटा था यहाँ पे। हाँ। ड्रिंक कर हुआ बहुत था। हाँ। अब उसे लेटाया नहीं है, और नहाने कर रहा था, हमने डांटा उसे नहाने के लिए, उसे लेटा दिया, वो आराम करने लगा। अचानक से उठा, एकदम नदी में को भागा वो। तुम कितनी दूर पे? हम तो इतनी दूर पे, हम भी पीछे भागे। अच्छा। मगर गहराई ज़्यादा है यहाँ पे, तो अंदर को घुस कैसे जाते। डंडा भी लेकर हमने पकड़वाने की कोशिश की, डंडा भी नहीं लिया, उन्होंने पकड़ा सीधा, तैरते तैरते आगे चला गया, वहाँ पर गोता खा गया वो, बह गया। फिर गोता खा गया, उठा ही ना वो अंदर से। हम सीधा घर गए उसको बुलाने, माँ बाप को बुला के ले गए यहाँ पर। कितने बजे घटना है ये? 1:30 से 2 के बीच की घटना। कितने लोग थे? मौके पे तो 3 ही लोग थे, और बाकी यहाँ पे मछेरे मच्छी मार रहे थे। उनसे भी बोला हमने इसे बचा लो, मगर कोई आया नहीं। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार स्थित रामगंगा नदी के पास मौजूद लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब हरतला निवासी युवक रामगंगा नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही मौके पर परिजन और पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने युवक के डूबने की सूचना SDRF की टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF की टीम में रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया और युवक की तलाश शुरू कर दी। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी युवक का पता नहीं चला है। SDRF की टीम द्वारा लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि युवक चंद्रकैन हमसे कहकर गया था कि 2 घंटे का काम है, उसके बाद फ्री होकर घर आ जाऊंगा। फिर अचानक 1 बजे सूचना मिली कि चंद्रकैन नदी में डूब गया है। हम लोग भी मौके पर आए और पुलिस भी मौजूद थी। वहीं चश्मदीद का कहना है कि युवक नदी किनारे लेटा था और नहाने के लिए कह रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने समझा बुझाकर बैठा दिया। फिर अचानक से युवक उठा और नदी में कूद गया। मौके पर मौजूद चश्मदीद ने डंडे द्वारा बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन युवक गोता खाकर आगे चला गया। युवक को डूबे हुए 24 घंटे का समय हो गया है, लेकिन युवक का अभी कोई पता नहीं चला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।